Come in around to make them gyal a roll out them eyes. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? सो गाइस, कुछ इस टाइप का रील्स वीडियो एडिट करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साइड में बेल का भी आइकॉन आता है तो इस बेल के आइकॉन को क्लिक करना और ऊपर में आल के ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लेना, जिससे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, सबसे पहले तो अपने मोबाइल में जाओ, मोबाइल में अपना मोबाइल डेटा ऑन कर लेना। मोबाइल डेटा ऑन करने के बाद कोई सा भी वीपीएन ओपन कर लेना। प्ले स्टोर में बहुत सारा वीपीएन होता है, तो मैं जो है टर्बो वीपीएन को ऑन कर लिया और इसे जो है कनेक्ट कर लूँगा मैं। सो गाइस, वीपीएन कनेक्ट नहीं हो रहा होगा तो दो तीन बार ट्राई करके जो है कनेक्ट कर लेना, क्योंकि वीपीएन ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर कैप कट एप्लीकेशन जो है ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है, प्लस का आइकन भी आता है, इसे जो है क्लिक कर देंगे। वीडियो का सेक्शन खुलता है, यहाँ पर फोटो के सेक्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना फोटो को जो है सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर ये वाले मॉडल के पिक को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर चार पाँच या तो फिर पाँच छः फ़ोटो को जो है सिलेक्ट कर लेना। ज़्यादा फ़ोटो का यूज नहीं करेंगे, पाँच छः फ़ोटो का यूज करेंगे। ऐड के ऑप्शन को क्लिक करके ऐड कर लेना कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर जो है ऐड हो गया। अब यहाँ पर नीचे में जाना, यहाँ पर फॉर्मेट का एक ऑप्शन होगा, तो इस फॉर्मेट के ऑप्शन को जो है क्लिक करना। क्लिक करने के बाद 9:16 फुल स्क्रीन वाले को सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर फोटो में जो है फुल स्क्रीन शो नहीं हो रहा होगा तो इसे जो है जूम करके कुछ इस टाइप से जूम करना और सभी फ़ोटो को फुल स्क्रीन कर लेना है। सो गाइज, अब यहाँ पर म्यूजिक ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड ऑडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसे भी क्लिक कर देना और ये वाले वीडियो को जो है सिलेक्ट कर लेना। इस वीडियो का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो वीडियो का लास्ट पार्ट जरूर देख लेना, तभी समझ में आएगा कि इस वीडियो को डाउनलोड कैसे करना है। तो वीडियो का लास्ट पार्ट जरूर देख लेना। सो गाइज, यहाँ पर आप म्यूजिक को ऐसे क्लिक करना। इसके बाद मैच कट का एक ऑप्शन आता है, उसे जो है क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर म्यूजिक को प्ले करके देख लेना है, जहाँ जहाँ बीट आता है वहाँ को जो है मार्क कर देना है। तो यहाँ पर डिस्प्ले में सेकेंड शो हो रहा होगा, इन्हीं सेकेंड में जो है बीट आता है तो इन्हीं सेकेंड को जो है मार्क कर लेना। इसके बाद यहाँ पर नीचे में राइट का आइकन दिखाई दे रहा होगा तो राइट के आइकन को क्लिक कर देना। सो गाइज, अब यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो नीचे में एक एरो का आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसे क्लिक करना। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो है ओवरलेज के ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना। यहाँ पर ऐड ओवरले का ऑप्शन होगा, प्लस का आइकन होगा, उसे भी क्लिक कर देना। और ये वाले वीडियो के सेक्शन में चले जाना, यहाँ पर वीडियो के सेक्शन में जाएंगे और ये वाले 2 सेकेंड का वीडियो है, इस 2 सेकेंड को वीडियो को डाउनलोड कैसे करना है ये मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो ये वाले 2 सेकेंड के वीडियो को ऐड कर लेना, वीडियो की स्टार्टिंग में ऐड करना है इसको। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ऐड करने के बाद फुल स्क्रीन कर देना कुछ इस टाइप से, जूम करके फुल स्क्रीन करना। अब यहाँ पर इस वाले स्प्लिश वाले ऑप्शन को जो है क्लिक करना। स्प्लिश वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से आ जाता है। तो यहाँ पर इस स्लाइड का एक ऑप्शन आ रहा होगा ये वाला, तो इस ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर जो है जो व्हाइट था वो जो है रिमूव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर राइट का आइकन दिखाई दे रहा होगा तो राइट के आइकन को क्लिक कर देना। तो यहाँ पर अब यहाँ पर पहले पिक में जो है इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब दूसरे पिक के पास जाएंगे कुछ इस टाइप से, यहाँ पर दूसरे पिक को ऐसे क्लिक करेंगे। दूसरे पिक को क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करना तो स्टाइल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, स्टाइल वाले ऑप्शन को क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पर 3D जूम प्रो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो 3D जूम प्रो के ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना और 3D इफेक्ट क्रिएट कर लेना है। सो गाइस, पहले पिक को छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर सभी पिक में 3D जूम प्रो के ऑप्शन में जाके 3D वाला इफेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो सभी पिक में 3D इफेक्ट क्रिएट कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है पहले पिक को कर लिया। अब यहाँ पर दूसरे पिक के पास जाएंगे, फिर से जो है 3D जूम प्रो के ऑप्शन को जो है क्लिक कर देंगे और ये भी जो है 3D इफेक्ट में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी पिक को कुछ इस टाइप से 3D जूम वाले इफेक्ट में जो है क्रिएट कर लेना है। सो गाइस, पहले पिक को छोड़ के सभी पिक में 3D इफेक्ट क्रिएट कर लिया। इसके बाद राइट के आइकन को भी क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर लास्ट में जाना, लास्ट में एक ऑटोमेटिक ये वाला एंडिंग वाला पेज बन जाता है, इसे जो है क्लिक करके जो है डिलीट कर देना कुछ इस टाइप से। इसके बाद यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग में जाएंगे। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ बीट आता है वहाँ वहाँ तक जो है अपने फ़ोटो को जो है कट कर लेना है। तो पहला फ़ोटो को जो है फर्स्ट बीट के पास कुछ इस टाइप से जो है क्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पर दूसरे फ़ोटो को क्लिक करेंगे और यहाँ पर दूसरे बीट के पास कुछ इस टाइप से क्रॉप कर लेना है। अब यहाँ पर तीसरे फ़ोटो को क्लिक करेंगे और तीसरे बीट के पास कुछ इस टाइप से क्रॉप कर लेना है और इसी टाइप से सभी पिक को क्रॉप कर लेना है बीट के हिसाब से। सो गाइज, यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा फोटो जो है ऐड हो गया था, तो इस एक्स्ट्रा फोटो को जो है ऐसे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक करके डिलीट कर लेंगे। तो सभी फ़ोटो को जो है बीट के हिसाब से म्यूजिक के हिसाब से सेट कर लेना है कुछ इस टाइप से।
और यहाँ पर जो है मैं वीडियो को प्ले करके देख लेता हूँ सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो आप भी एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेना। सो गाइज यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट करना है तो ऊपर में एरो का आइकॉन है उसे क्लिक कर देंगे, जिससे कि ये जो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इफ़ेक्ट और म्यूजिक जो ऐड किए थे उस म्यूजिक को कैसे डाउनलोड करोगे, तो सबसे पहले तो गूगल क्रोम एप्लीकेशन जो है ओपन कर लेना। गूगल क्रोम में जो है सर्च करना है द आरटी वर्ल्ड, तो यहाँ पर जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम टाइप करना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, तो देख लो। तो गाइज़ यहाँ पर द आर टी वर्ल्ड टाइप करना है, इसके बाद यहाँ पर सर्च कर देना। अब सर्च करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर में https://www.theartyworld.com छोटा छोटा लिखा होगा और ये वाला प्रोफाइल बना होगा, देख लेना। इसके बाद यहाँ पर artyworld.com भी लिखा होगा बड़ा में, इसे जो है क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाता है, तो सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर सबसे शुरू में यही वाला आ जाएगा। अगर यही वाला नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ऊपर में सर्च का आइकन दिखाई दे रहा होगा, सर्च के आइकन को क्लिक करना और गो डाउन डे लिख देना, कुछ इस टाइप से म्यूजिक का नाम है ये, तो इस म्यूजिक के नाम को जो है क्लिक कर देना लिख देना कुछ इस टाइप से। लिखने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेना, सर्च करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर में यही वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर इस पेज को जो है क्लिक कर लेना है, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसी पेज में जो है म्यूजिक और वो वाला इफेक्ट डाउनलोड करने को मिलेगा, तो नीचे जाना, नीचे जाना कुछ इस टाइप से, यहाँ पर बड़ा बड़ा में लिखा होगा म्यूजिक एंड वीडियो डाउनलोड नाउ, तो इसको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गूगल ड्राइव का पेज ओपन हो जाएगा वाला, ये वाला, तो इसे जो है क्लिक करना बारी बारी से कुछ इस टाइप से, जैसे कि मैं इसे क्लिक करता हूँ। ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर में डाउनलोड का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस डाउनलोड के आइकन को क्लिक कर देना तो डाउनलोड हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से बहुत ही ईजी था वीडियो डाउनलोड करना और एडिटिंग भी बहुत ही ईजी था यार। तो प्लीज़ जो है लाइक करना और कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 100K के बिल्कुल नज़दीक हैं, तो प्लीज़ जो है सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब कर लो।